दोस्तों, अगर आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप के रैम को अपग्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दो बेसिक जानकारी चाहिए होगी। पहला तो स्लॉट कितने हैं, दूसरा कि रैम का टाइप कौन सा है। स्लॉट की जानकारी के लिए आपको यहाँ पे टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर के अंदर जाना होगा और यहाँ पे आपको मेमोरी के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको स्लॉट्स दिख जाएगा। जैसे कि इस लैपटॉप में टोटल दो स्लॉट्स हैं जिसमें से कि एक यूज हो रखा है, और अगर आपको रैम के टाइप को जानना है तो आपके पीसी में शायद ये यहाँ ऊपर में ही दिख जाएगा, लेकिन जो भी नए वाले विंडोज हैं वहाँ पे आपको ये नहीं दिखेगा। तो इसके लिए आपको अपने ब्राउजर अंदर CPU Z या फिर CPU Z को सर्च करना है और इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड के बाद इंस्टॉल होने के बाद आपको इसके अंदर भी मेमोरी के अंदर जाना है, और मेमोरी के अंदर जाने के बाद ही आपको यहाँ पे रैम का टाइप दिख जाएगा। दोस्तों, आप जुड़े थे YouTube के शॉर्ट्स वीडियो पे। अगर आपको टेक से जुड़ी जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल पे जाके और भी वीडियोस को देख सकते हैं।